पर्यावरण धन ईवीएस पेपर फर्स्ट सीटेट 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जिसमें हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 15 क्वेश्चन पैदा हुए, 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस से आते हैं जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट जो आपका कोर्स कंटेंट है उसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इनबिल्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर ये खासियत है कि आपके 2 से 3 पार्ट में होगा और उसके अंदर कम्प्लीट सिलेबस होगा, और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो से ज़रूर आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपका जो चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, कि स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का जो रास्ता होता है वो कौन कौन सा है। तो द बम्बू एंड रॉप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन असम। असम में, असम जो है थोड़ा माउंटेन हिली एरिया है, तो वहाँ पे क्या है बम्बू वगैरह का रॉप का इस्तेमाल करके ब्रिज बनाया जाता है जिसके जरिए बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में जो बच्चे होते हैं ट्रॉली के जरिए आते हैं, हिल एरिया होते हैं वो काफ़ी, और वहाँ पे ज़्यादा ऊपर खाबड़ होता है इस तरीके से, इसलिए लद्दाख में इस तरीके के ट्रोले का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट ब्रिज की बात करें तो नॉर्मल एरिया है, वो वाटर ओवर के ऊपर जो है सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। जो वल्लम है, वल्लम एक स्मॉल टाइप की वुडन बोट होती है जो केरला में इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे उससे स्कूल जाए। कैमल कार्ट का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है, बच्चे कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं क्योंकि रेगिस्तान होता है पूरा। बुल कार्ट का इस्तेमाल प्लेन एरिया में किया जाता है, जहाँ जो भी जितने भी विलेजेस प्लेन एरिया में वो बुल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बुल पे वो बैठ के स्कूल जाया करते हैं। द पाथ ऑफ रॉक एंड इवन द माउंटेन, जितने भी पहाड़ी चट्टाने वाले रास्ते हैं वहाँ, ये कहाँ पे है, तो जितने भी ज़्यादातर ये कहाँ हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ओके। तो ये जैसे ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप के आते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन ही हमने लिया है और ये वन लाइनर के फॉर्म में, ओके। अब ये क्वेश्चन है, अ बर्ड हैज़ इट्स आई ऑन हिज हेड एंड होल आर कवर्ड विथ फीदर। जो भी पक्षी होते हैं जिनकी आँख उनके माथे के ऊपर होती है और एक हॉल जो उनकी बॉडी को पंख से ढके होते हैं, वो क्या करते हैं ताकि वो मतलब मतलब सुन पाए, सुनने में उनकी मदद करते हैं। लिजार्ड है सेम काइंड ऑफ ईयर, और लिजार्ड की बिल्कुल सेम ईयर्स होती हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल हैज़ इट्स लाइक बट इट कांट सी देम। क्रोकोडाइल की जो आँखें होती हैं वो इनकी तरह होती है बट वो देख नहीं सकते। डिफरेंट पैटर्न ऑफ एनिमल्स ड्यू टू देयर हेयर ऑन द स्किन, और जो जितने भी एनिमल होते हैं उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनका हम उनके पैटर्न से पता लगाएंगे क्या क्या वो करते हैं, वो क्या देते हैं। एनिमल विद ईयर हेयर ऑन बॉडी, जिसके तो शरीर पे मतलब कान है, बाल है, वो क्या है बर्थ करते हैं। एनिमल हैज़ नो ईयर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड अगर ईयर बॉडी के नहीं है तो वो लैग अंडे वगैरह देंगे। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हेड, जो मतलब हाथियों का झुंड होता है उसमें जो हाथियों का झुंड का जो सरदार होता है या हेड होता है वो बूढ़ी हथनी होती है, ठीक है। देयर इज़ नो मेल एलिफेंट ऑफ द हेड, उसमें कोई भी हाथी नहीं होता है। दे हैज़ टर्न टू 14-15, और उनके ग्रुप में टोटल कितने झुंड में 14 से 15 हाथनी होते हैं। एंड एडल्ट हाथी कैन ईट अप टू 100 kg लीव्स एंड ट्विंग्स इन द डे। एक जो हाथी होता है वो 100 किलो मतलब खा सकता है घास वगैरह एक दिन में 2 बार, ठीक है। एलिफेंट स्लीप ओनली 2 to 4 hours, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। अम्बड कीप देयर स्किन कूल, आपने देखा हाथी वगैरह कीचड़ में ज़्यादा होते हैं, संते मतलब खेलते हैं उसमें, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो उन्हें मतलब ज़्यादा ठंडक महसूस होता है। देयर बिग एयर आल्सो हैव वर्क लाइक फैन, दे फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल, और वो जब चलते हैं तो उनके फ्लैप होता रहता है, मतलब हिलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ठंडक देते रहते, कूल महसूस होता है। दे आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट यंग वंस इन द हर्ड, और उसमें 10 से 12 मतलब फीमेल होते हैं जिनमें उनके बच्चे भी होते हैं झुंड में, ठीक है। खेजड़ी गांव जो है राजस्थान के जोधपुर में, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है खेजड़ी विलेज कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। प्लेस वेयर बिल्ट वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 ईयर अगो, और जितने भी मतलब जंगल बनने में लगभग अगर पूरा समय अगर बात करें तो लगभग 300 साल लगे बनने में। द पीपल हैव द विलेज आर कॉल्ड विश्नोई, जो उस गांव के जो लोग थे उनको विश्नोई कहा जाता था। खेजड़ी ट्री कैन बी ग्रो विदाउट मच वाटर, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं, तो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ कम वाटर की क्वांटिटी कम होने के बावजूद भी वो ग्रो करवाते हैं। इट गिव्स बीन्स, वो बीन्स वगैरह देते हैं। डोंट गेट अफेक्टेड और मतलब अफेक्ट भी नहीं होता इंसेक्ट वगैरह से। अच्छा, एक स्टोरी है, स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ठीक है। स्टोरी ये जो स्टोरी है कहाँ की, बोचाचा गांव के जो मुजफ्फरपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हनी बी लेज
देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। पूछा जाता है हनी बी वगैरह अपने अंडे किस समय देते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में देते हैं। एवरी बी हैव ओनली वन क्वीन बी दैट ले एग्स, और उसमें मतलब प्रत्येक मतलब मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। दे आर ओनली फ्यू मेल इन द, उसके अंदर कुछ ही जो मेल मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते में। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर भी, और वहाँ पर जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो सारे वर्कर होते हैं। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, और जो मेल बी होता है बीज मधुमक्खी होती है उसका कोई वहाँ पर खास रोल नहीं होता है। ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ गुजरात, तो जो वहाँ स्टोरी में जो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गांधीधाम कच्छ के गुजरात से, ठीक है। फूड ऑफ गुजरात, गुजरात का जो खाना क्या, ढोकला है विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई। अहमदाबाद और वलसद आर इन गुजरात, अहमदाबाद और वलसद कहाँ पर है, गुजरात में। कोचिकोड कहाँ पर है, केरला में। मडगांव कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। देयर आर टोटल 2000 ब्रिज, मतलब 2000 ब्रिज हैं, 92 टनल है। किस रूट में, अगर गोवा से केरला अगर हम जाते हैं तो लगभग 2000 ब्रिज हैं, 92 टनल हैं, तो ये आप याद रहेंगे इफेक्ट को। कोझिकोड सिटी इज़ इन द स्टेट ऑफ केरला इन द साउथ इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट इज़ नोन एज द कालीकट। जो कालीकट है, कालीकट को कोड़िको सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि केरला में, और केरला कहाँ है, साउथ इंडिया में है, और कौन से कोस्टल एरिया में, मालाबार कोस्ट पे है, ठीक है। ऑन द वे ऑफ गुजरात टू केरला, अगर गुजरात से हम केरला जाते हैं, ट्रेन क्रॉसेस, ट्रेन कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, गोवा जाती है, गोवा और कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका, ठीक है। अगर गुजरात से हम शुरू करते हैं तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। कोट्टायम इज़ अ टाउन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरला, कोट्टम जो है एक कस्बा है, कहाँ पर, केरला में, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात करते हैं और कहाँ बोली जाती है, मलयालम केरल में बोला जाता है, एग्ज़ाम में लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ जाता है। कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन द सम पार्ट ऑफ केरला, केरला के कुछ भागों में भी बोला जाता है। मराठी जो है महाराष्ट्र और गोवा, गोवा में, दमन दीव में, दादर नगर हवेली में, इन सभी जगहों पर मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, सॉरी यहाँ एरर हो गया, गुजरात, ठीक है, गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। अच्छा, फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट, फेरी जो है ना एक प्रकार की बोट होती है जो केरला में इस्तेमाल किया जाती है, ठीक है। द डिटेल यू कैन फाइंड ऑन द ट्रेन, आपको पता है ट्रेन के टिकट में क्या क्या होता है भाई, अगर ट्रेन के टिकट आपने नहीं देखा हो तो उसमें आपको मैं बता दूँ, ट्रेन नंबर होता है, डेट ऑफ स्टार्ट जर्नी, किस डेट को आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपका बर्थ कोच नंबर होता है, उसका किराया होता है। देखो आपने टिकट नहीं देखी है तो ये टिकट देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका PNR नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, किस डेट को जा रहे हैं, कितने किलोमीटर है, कितने व्यक्ति जा रहे हैं, साथ में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जो डिटेल्स हैं आपकी बर्थ और सीट की डिटेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये और यहाँ पे अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिस्टेंस जो होता है किलोमीटर में आपका यहाँ पे दिया जाता है कि कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर का आपको यात्रा करनी है, ओके। द फ्लोवर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल ऑफ उत्तराखंड, फ्लोवर वैली कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। फ्लोवर लाइक मारी गोल्ड, जेनिया आर यूज्ड टू डाई क्लॉथ, और जैसे मारी गोल्ड हो गया, जीनिया हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों पर डाई करने के लिए। अब आता है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, इत्र के लिए, वहाँ पे इत्र के लिए कन्नौज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इससे। द स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र, ठीक है, अगर मैप की बात करें तो केरला एंड महाराष्ट्र को दिखा सकते हैं, वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग वगैरह होता है, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं। अच्छा, एक आप ये देख पा रहे हैं द अनसीन हीरो, कर्णम मल्लेश्वर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1 जून 1975 पे कर्णम मल्लेश्वरी वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट, द वेट लिफ्टर वॉन ब्रॉन्ज इन सिडनी 2000, सी वाज द नेशनल चैंपियन फॉर 9 ईयर ब्रेकिंग हर रिकॉर्ड बट आफ्टर डिकेड ऑफ सुपरमेसी सी इज फॉरगेटिंग, सी इज नाउ फॉरगेटन एंड लिव्स इन द शेडो, अब ये अंधेर में चली गई मतलब इस तरीके से, ठीक है, ओके फाइन। अब आगे चलते हैं, मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, तो एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग एक आपका आर्ट है, कला है, एक डिज़ाइन है, ठीक है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म टू फोक आर्ट, फोक आर्ट में मतलब सबसे पुराना फॉर्म है ये। और डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, इसको मधुबनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में तैयार किया गया था, इसलिए इसको मधुबनी बोला जाता है, ठीक है, ओके। दीज पेंटिंग आर मेड ऑफ द पेस्ट ऑफ पाउडर राइस
विच कलर वाज मिक्स। इसके अंदर क्या होता है, इस पेंटिंग को तैयार करने के लिए चावल वगैरह के उसको मिक्स किया जाता है टू मेक दिस इंडिगो। इसके अंदर नील, हल्दी और इन कलर को मिलाया जाता है, कुछ फल मतलब फूलों के और कुछ पेड़ों की वो मिलाए जाते हैं। द पेंटिंग शो द ह्यूमन बींग एनिमल ट्रीज, और इस पेंटिंग के अंदर ह्यूमन बींग एनिमल्स ट्री फ्लावर बर्ड्स फिश और मैनी अदर एनिमल्स, ठीक है। साथ में वेलविनिका विलेज जो है आपका, एक वेलविनिका विलेज है कर्नाटका में, ये पूछ लिया जाता जाता है कि वेलविनिका विलेज कौन सा स्टेट में है। गुजू भाई बड़े का लिव इन गुजरात, गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी है बच्चों के लिए। एन इंडियन रॉबिन, अगर इंडियन रॉबिन की बात करें तो ले इट्स एग इन बिटवीन ऑफ द स्टोन अलोंग द रोड साइड, और उन्होंने मतलब दोनों साइड वो लगाए हैं। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये हो गया कि ये जो बुलेट पॉइंट है ये इसके बीच में स्पेस था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा, स्पेस नहीं आ रहा तो एक साथ देख रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, बट आप इसको रीड कर सकते हैं इजीली। कोयल, कोयल जो है वो हमेशा अपना अंडा कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है। बर्ड्स यूज्ड द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपना मतलब कोयल की अगर बात करें तो ये सिर्फ नेट्स का इस्तेमाल, नेस्ट इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अपने अंडे देने के लिए। आफ्टर दैट ही हैच्ड एंड द क्लिक हैव ग्रॉन दे लीव द नेस्ट, और उसके बाद ये मतलब अपने अंडे को देते हैं, अंडे से जब चूजा निकल जाता है तो ये उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब नालामदा इन द आंध्र प्रदेश, अब पूछा जाता है नालामदा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। होलगुंडी इन इज़ इन कर्नाटक, होलगुंडी कहाँ पर है, कर्नाटका में। द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन द हिलगुंडी, हिलगुंडी में जो बच्चों की पंचायत होती है उस पंचायत को क्या कहा जाता है, भीमा संघ, ठीक है। अबाउट बनियन ट्री, बनियन ट्री के बारे में बात करते हैं। व्हाट लुकिंग अबाउट द हैंगिंग ब्रांच ऑफ, एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री, उसके अंदर मतलब झुके हुए होते हैं पत्ते वगैरह उनके, ठीक है। डेजर्ट ओक इज द ट्री दैट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, पूछा जाता है डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जी, क्योंकि डेजर्ट लिखा रहता है तो बच्चे सोचते हैं कि ये डेजर्ट यानी कि इंडिया के अंदर होगा, लेकिन आपको बता दें डेजर्ट ओक इज़ द ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक ट्री रूट्स गो डीप इंटू द ग्राउंड टिल द रिच वाटर, दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ऑफ ट्रंक, ओक ट्री जो होता है ये काफ़ी मतलब गहराई वाटर के मतलब गहराई में होता है ये ज़मीन के, और वहाँ तक ये वाटर जब तक मतलब पहुँचता है जब तक उनको पानी ना मिल जाए, और ये वाटर इस तरीके से स्टोर करता है जिससे ट्री अपने ट्रंक में रखता है, सूंड में रखता है, ठीक है। बिहू से क्वेश्चन आ जाता है, बिहू फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप, राइस क्रॉप जब वहाँ पे होती है तो उसके मतलब पकने के उस के खुशी में मतलब वहाँ पे बिहू फेस्टिवल मंगाया जाता है। मगह बिहू भी होता है, एक मगह बिहू इज सेलिब्रेटेड 14-15 जनवरी, ये 14-15 जनवरी को, और कई बार फर्स्ट सेकंड मगह इन 10th month ऑफ द असमी कैलेंडर, असमी कैलेंडर के हिसाब से एक दो मगह को मनाया जाता है, ठीक है। दे मेक भेला घर फ्रॉम द बम्बू, और वो क्या बनाते हैं, भेला घर बनाते हैं बम्बू से। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, पूछा जाता है मुक्तापुर जो विलेज है वो इज़ इन द कौन से जिला में, पोचमपल्ली में। मुक्तापुर गांव जो है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक मुक्तापुर गांव है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग टॉइंग मेकिंग इत्र प्रोडक्शन, ये वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उस गांव के मुक्तापुर गांव के जो पंचोली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली मतलब क्या है, कारपेट वगैरह बनाते हैं, टॉय मेकिंग करते हैं, इत्र परफ्यूम का प्रोडक्शन करते हैं। दिस थिंग हैव बिकम टू फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर इट वी लाइक टू, जैसे कुल्लू शॉल हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, असम सिल्क हो गया, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हो गया, ठीक है, ये कुछ है, कुछ जो है नाम उन जगहों के नाम की वजह से फेमस है। अब आता है अबू धाबी इज़ इन यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अबू धाबी कहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। करेंसी ऑफ अबू धाबी क्या है, धीरम, धीरम याद रखना धीरम। चिट्टपम, चिट्टपम कौन है, यंग, ये फादर ऑफ यंग ब्रदर इन मलयालम, मलयालम में मतलब पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनको बोला जाता है चिट्टपम। कुंजमामा, कुंजमामा फादर ऑफ यंगर ब्रदर्स वाइफ, जो आपके बड़े आपके पिता के बड़े भाई होते हैं ताऊजी की जो ताई होती है उनको बोला जाता है कुंजमम, ठीक है। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स, केरला के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स देख सकते हैं, जैसे कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, ठीक है। ओनली ट्री विच कैन ग्रो इन डेजर्ट इज़ डेट प्लम, और जो डेजर्ट वगैरह में उगते हैं वो सिर्फ डेट प्लम होता है, ठीक है। यू कैन फाइंड वेरियस स्पेसिस स्पाइसिस इन केरला लाइक तेज पत्ता, कार्डमम, ब्लैक पीपर,
ये वहाँ पर पाए जाते हैं केरला के अंदर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तेजपत्ता, कार्डमम और ब्लैक पेपर कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। गरम मसाला इज मेड बाय स्मॉल एंड बिग कार्डमम, बड़े और छोटे कार्डमम, क्लोव, क्यूमिन सीड और सिनोमन, ब्लैक पेपर, ड्राई गिंगर, इन सभी को मिक्स करके गरम मसाला बनाया जाता है, ठीक है, जो आपको आज पैकेट में मिलता है ना शॉप पे वो। दिस इज स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ इंडियन नेवी। ये कहानी है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की, जो कि इंडियन आर्मी में डॉक्टर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन आर्मी में जो डॉक्टर है, एक कहानी है, उस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, लेफ्टिनेंट का नाम क्या है, तो याद रखना वहीदा प्रिज्म। सी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड द परेड, ये पहली वुमन थी जिसने परेड को लीड किया था। वहीदा प्रिज्म इज़ फ्रॉम थाना मंडी, ये थाना मंडी विच इज़ इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट थाना मंडी गाँव की है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कमांडो इन परेड, परेड में टोटल नंबर ऑफ कमांडो कितने थे, 36। तिब्बतन इज़ आल्सो कॉल्ड भोटी, उसको भोती कहते हैं, इज़ लैंग्वेज स्पोक इन लद्दाख। तिब्बतन को हम भोती कहते हैं, वो किस लैंग्वेज में, लद्दाख की लैंग्वेज में, ठीक है। मदर इन भोती लैंग्वेज इज़ अमालई, माता को भोती लैंग्वेज में अमालई कहते हैं, फादर को भोती लैंग्वेज में अबला कहते हैं, अबले, ठीक है। एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल अराउंड द ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। अब जो चींटियाँ आपने देखा हो ना, चींटियाँ अक्सर बहुत लाइन में चलती हैं, वो लाइन में कैसे चलती हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब वो चलती हैं तो एक स्मेल ड्रॉप आउट करती हैं और वो स्मेल से ही बाकी जो है उस स्मेल को फॉलो करते हैं और उनको रास्ता पता चल जाता है। अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड द इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम द मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल, और जो सिल्क वॉर्म होता है वो फीमेल वॉर्म, वो बहुत दूर से ही पता लगा लेता है, अपने उस स्मेल से पता लगाता है कि सिल्क वॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है सर। मॉस्किटो कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल बाय देयर बॉडी, मॉस्किटो जो है वो लोगों को उनकी बॉडी के स्मेल से पता लगाते हैं। दे आल्सो फाइंड देम द स्मेल ऑफ सोलो ऑफ देयर फीट एंड हीट देयर बॉडी, और उनके जो पैरों के शॉल से और बॉडी के हीट से पता लगाते हैं, ठीक है। डॉग मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड, और डॉग जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो अपने एरिया को रोड पे मार्क कर लेते हैं कि वो एरिया उस वहाँ तक उनका है, ठीक है। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम ऑन द एरिया बाय द स्मेल इट यूरिन और पॉटी, और वो उसके यूरिन के या पॉटी के स्मेल से पता चल जाता है कि वो दूसरे एरिया से है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आई ऑन देयर साइड एंड हैड दे हैव आई ऑन फोकस टू डिफरेंट थिंग एट द टाइम, और जो पक्षियों की दो आई जो आइधर अलग अलग साइड जो होती है वो इसलिए होती है ताकि वो एक साथ दो डिफरेंट थिंग्स को फोकस कर पाएँ। वेन दे आर लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सामने की तरफ देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, जब वो सामने देखते हैं तो वो दोनों एक आइज एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करती है। इन द मोस्ट ऑफ बर्ड आई आर फिक्सड एंड कैन नॉट मूव, दैट वाई बर्ड हैव द टर्न देयर हैड टू सी अराउंड, और जो भी पक्षियाँ होते हैं मोस्ट ऑफ आई, वो क्या होते हैं, कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने जैसे टर्न करेंगे तो उनका फिक्स एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई आर उनकी आई फिक्स होती है, कैन नॉट मूव, नहीं कर सकते। वाई बर्ड हैव टू टर्न देयर हैड टू सी अराउंड, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं, हम अपनी आँखों को यूँ करके घुमा सकते हैं लेकिन गर्दन। सम बर्ड्स लाइक, जैसे काइट हो गया, एगल हो गया, वल्चर हो गया, कैन सी फोर टाइम एज फॉर एज वी कैन, हम जितना देखते वो हमारे से चार गुना ज़्यादा, मतलब दूर तक वो आसानी से देख पाएंगे तेज़ी से, ठीक है। दीज बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, वो 8 मीटर देख सकते हैं। वट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, जितना हम 2 मीटर देखते हैं, जितना हम 2 मीटर की दूरी से क्लियर देख पाएंगे उतना वो 8 मीटर की दूरी से देख पाएंगे। एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर, एनिमल जो है वो नहीं देख पाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि दैट एनिमल आर दैट आर अवोक इन डे टाइम कैन सी सम कलर, दिन के टाइम में जाते हैं तो वो कुछ कलर देख पाते हैं, ठीक है। Those animal that have awake at night, जो रात को जागते हैं, can see things only in the black and white color, जो रात को मतलब जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, जबकि जो दिन में जागते हैं वो बहुत सारे मतलब देख सकते हैं इनके कंपेयर में मैनी कलर्स वो देख सकते हैं। बर्ड्स आर स्मॉल हॉल कवर्ड विथ फीचर, जितने भी उनके पंख होते हैं उनमें स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ईयर जो है बर्ड्स ईयर आर स्मॉल, जो कान होते हैं बहुत छोटे छोटे होल होते हैं और पंखों से ढके होते हैं, ओके। स्नैक्स आर डीफ, जो सांप होते हैं बहरे होते हैं, दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड के ऊपर जो भी वाइब्रेशन होता है उसको फील कर सकते हैं।
सम बर्ड्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज द डेंजर और हैप्पीनेस। जैसे कि आप कुछ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, जब उनको मतलब खुशी हो या फिर उन्हें खतरा महसूस हो, जैसे लंगूर, टाइगर और लेपर्ड हो गया। सम एनिमल स्टार्टेड बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन अर्थक्वेक स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल होते हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक, तूफान या कुछ आता है, ठीक है। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, एनिमल कम टू नो डेंजर। और जो लोग मतलब जंगल के नज़दीक रहते हैं वो इन सब बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और खतरे का अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं अबाउट स्लीप की बात करते हैं, तो लिजर्ड गो इन टू द लॉन्ग डीप स्लीप और फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, मतलब लंबे समय के लिए, मतलब ज़्यादातर समय के लिए वो सीजन में सो जाते हैं। काऊ जो है वो 4 घंटे सोते हैं, पाइथन वगैरह जो है 18 घंटे सोते हैं, जिराफ जो है 2 घंटे सोता है, एक बिल्ली 12 घंटे सोती है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर, टाइगर के बारे में कुछ बातें फैक्ट जान लेते हैं। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, हमारे से वो 6 गुना बेटर देख सकता है रात में। टाइगर्स विस्कर्स इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कैन सेंस मोमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर, और हवा में वाइब्रेशन और मोमेंट का वो पता लगा लेता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, और वो मतलब डार्क अंधेरे में भी चल सकता है और अपने शिकार को ढूंढ सकता है। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट कैन मेक आउट अ डिफरेंट बिटवीन वो रिजल्टिंग ऑफ द लीव्स ऑन साउंड एंड द एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास। जो टाइगर है वो सेंस कर लेता है, शार्प सेंस करता है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की मतलब पत्तियाँ और उसके साउंड, उसको एनिमल्स की ग्रास वगैरह के जो भी साउंड है, जैसे अगर मान लो एक टाइगर है वो अब छुपा हुआ है तो पत्तियों के अंदर चलने की वजह से या पत्तियों की हवा की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो उसको बहुत जल्दी शार्प तरीके से वो सेंस कर लेता है, ठीक है, कि कौन मूव कर रहा है, कहाँ से इधर से साउंड किस साइड से आ रही है। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेल्प टू कैच देम साउंड फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, और उसके जो कान होते हैं वो मतलब इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में मदद करते हैं जो किस तरफ से साउंड आ रही है ताकि वो अपने प्रे को कैच आउट कर पाए। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, और टाइगर के अलग अलग साउंड अलग अलग पर्पज के लिए। तो वैन इट एंग्री, जब वो एंग्री होता है तो वैन इट कॉल्ड आउट टाइग्रिस, तो टाइग्रिस की तरह आवाज़ निकलता है। इट कैन ऑल्सो रोर, उसको रोर भी कहते हैं, स्नरल भी बोलते हैं। इट रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर दूर से हम तो उसकी दहाड़ को सुन सकते हैं। डेंजर टू एनिमल, टाइगर इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर इज़ आर इन डेंजर, कहते हैं कि भाई टाइगर सबसे मतलब खतरनाक जानवर, लेकिन आज के दिन में क्या है तो टाइगर खतरे में है। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जानवरों को मतलब एलिफेंट को उसको टस्क के लिए मारा जाता है, उसकी मोटी खाल के लिए। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न के सींग के लिए। टाइगर क्रोकोडाइल स्नैक फॉर देयर स्किन, इनके स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट मेक टू लिटिल सेंट फॉर इट्स मस्क, मस्क वगैरह को बनाने के लिए मस्क डियर को मारा जा रहा है। सम फॉरेस्ट एरिया दैट आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एरिया है जो प्रोटेक्टेड किए गए हैं, जिनमें से जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घाना जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इन एरिया में मतलब कि आप ना तो आप जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप एनिमल को हर्ट कर सकते हैं। आ स्नेक चार्मर स्टोरी की बात करें तो सपेरा इज आल्सो कॉल्ड काल बिलियास, क्या बोला जाता है, काल बिलियास, अ स्नेक ऑफ चार्मर स्टोरी, काल बिलियास कहा जाता है सपेरे को इस कहानी में। नाग गुम्फान डिज़ाइन ऑफ द काइंड ऑफ यूज टू रंगोली, एक रंगोली होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है। वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात में, जो साउथ इंडिया के तो गुजरात में सौराष्ट्र जिनका नाम था तो उसमें वहाँ पे बनाया जाता है। नाग गुम्फाम का मतलब नाग गुम्फाम नहीं, एक रंगोली होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। द स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क, और जो सपेरा होता है तो वो क्या करता है, वो मतलब सांप के काटने वाले निशान से पता लगाता है कि स्नेक कौन सा है। द स्नेक चार्मर कलेक्ट एंड मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच इज़ दे फाउंड इन फॉरेस्ट, और जो सपेरा वगैरह होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, पौधों वगैरह जो जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके इलाज के लिए। स्नैक आर हेल्पफुल फॉर द फार्मर, ये फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि ये रेट्स को खाते हैं, अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप, वरना चूहे जो सारी फसल को खा जाएंगे, तो इसलिए स्नैक को बोला जाता है फार्मर ऑफ फ्रेंड, ठीक है। और इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बोला जाता है। ओके, ओनली 4 types ऑफ स्नैक आर पॉइजन इन इंडिया, कोबरा हो गया, कॉमन करेत हो गया, रसेल जिसको धोबिया बोला जाता है, सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको अफिया बोला जाता है। ये 4 तरह के नाम याद रखे जो इंडिया के अंदर डेंजर्स होते हैं, ठीक है।
अ स्नेक हैज़ टू होलो टीथ, इनके अंदर दो होलो टीथ होते हैं, दिस पॉइजन एंटर द बॉडी थ्रू द दिस फैंग्स, और इनके बीच में जो टीथ होते हैं फंग्स भी उसको बोलते हैं, और इनके जरिए वो जहर बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। द मेडिसिन ऑफ स्नैक बाइट इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग तक अवेलेबल होता है, मतलब जो मेडिसिन जो स्नैक वगैरह काटने पर। अवर स्टमक टेम्परेचर इज़ 30 होते हैं, द जूस इज स्टमक इन एसिडिक नेचर, हमारे बॉडी में जो स्टमक में होता है वो जूस एसिडिक नेचर में होते हैं। मोस्ट ऑफ राइस इज काला हंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पाया जाता है, ज़्यादातर जो चावल है ना वो उड़ीसा की काला हंडी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। राइस इज इवन सेंड टू द अदर स्टेट फ्रॉम हियर, और यहाँ से दूसरे शहरों में भेजा जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर मैनी पुअर पीपल इन द काला हंडी, और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग काला हंडी में मतलब गरीब हैं। मुस्लिम क्लॉथ इज़ यूज टू स्ट्रेंथ समथिंग, और यहाँ पे मुस्लिम जो को मतलब कुछ स्ट्रेंथ करके बनाते हैं। अरियप्पम टाउन इज़ आंध्र प्रदेश, और ये कहाँ पर है, अरियप्पम टाउन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो इस पहले पार्ट में इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं आपसे, और जिसमें ईवीएस के और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट वो लेके आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेयर करें, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आए हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद यू, बाय बाय।